हे गेमर्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो फाइनली जो हमारा स्कारफॉल का अपडेट तो आ ही चुका है, तो अब मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए इसका गेम प्ले। तो आज हम लोग पूरे मैप को घूमने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या क्या कैसा लगने वाला है मैप, क्योंकि हमने घरों की जो इमेजेस हैं वो बाहर से तो देख ली थी, बट हम लोग अभी अंदर जाएंगे सारे घरों के अंदर जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनके, और देखेंगे उसके अंदर हमको क्या मिलने वाला है। तो यार पूरा वीडियो जरूर देखना, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे होगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और यार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भूलना। तो अभी जहाँ पर हम लोग रिस्पॉन हुए वो रही हमारी सेंट्रल जेल, सेलुलर जेल नाम है इसका एक्चुअली। तो मैं इसके मिड में कहीं पे खड़ा हुआ, तो जो मैप का साइज वो काफ़ी छोटा रहने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया हुआ था कि जो मैप है सर्वाइवल में नहीं आएगा, क्लासिकल में आने वाला है। तो इसके अंदर आपको कोई भी व्हीकल्स नहीं मिलेंगे, आप दौड़ के ही कहीं भी जा सकते हो, इतना छोटा ये मैप रहने वाला है। तो आप देख सकते हो यार अभी तो मेरा गेम स्टार्ट ही हो रहा है, बट मुझे तो यहाँ लूट भी मिलने लगी, तो मैं लूट ही लेता हूँ, बट ये लूट थोड़ी देर में हट जाएगी जैसे हम लोग प्लेन में पहुँचेंगे। तो यहाँ पर हमारा वेटिंग टाइम चल रहा है, तो अभी मैं कहीं जेल के आसपास हूँ, तो यार बाहर चलते हैं और देखते हैं गाइस क्या क्या चेंज हुआ है गेम के अंदर। तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात हम लोग करेंगे। तो पहली चीज़ अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो कैमरा एंगल है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, और कंट्रोल्स भी चेंज हो गए हैं, और जो हमारे कपड़े वपड़े नए आ गए हैं, और जो हमारे चलने का साउंड है वो भी चेंज हो चुका है। और क्या क्या चेंज हुआ है तो आप देख सकते हो, जो हमारे ड्रॉप वेपन है वो अब यहाँ पे ज़मीन पे इस गेम के जो इस वाला मोड है इसमें मिल रहे हैं, जैसे मैंने अभी एक गेम पिक की और ये स्नाइपर सारी ड्रॉप में मिलती थी, बट अभी यहाँ मिलने वाली। तो यार मैं पे यार बंदों को मारने नहीं वाला हूँ, मैं पूरा मैप एक्सप्लोर करूँगा, तो पूरा देखना वीडियो आपको मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ जहाँ पर हम लोग चले वो है फ्लैग पॉइंट, और अब देखें अपना इंडियन नेशनल फ्लैग कैसा दिख रहा है वहाँ पे। तो सबसे पहले देखो यार ये रहा हमारा एकदम बढ़िया सा प्लेन, जो कभी हम लोग पूरा घुमा नहीं पाते थे, पर हम लोग अब इसे ठीक रोटेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से गाइस इसको देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है कुछ भी कहो। तो मैप देख सकते हो काफ़ी छोटा है, तुरंत ही ख़त्म भी हो गया, मैं मैप के एकदम बीच में आ गया। तो यहाँ कहीं जेल के ऊपर कूद गया हूँ, तो हम लोग यहाँ पर फटाफट से उतर जाते हैं, पहले लूट कर लेते ताकि हम लोगों को कोई बॉट मार ना दे, क्योंकि मेरे हिसाब से लॉबी में कोई रियल प्लेयर तो आया ही नहीं है, क्योंकि मैं बीटा वर्जन खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं से खेल तो मैं ऑनलाइन मोड रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन मोड तो हट चुका है, तो यहाँ पे कोई रियल प्लेयर आया नहीं, बट फिर भी बॉट जो है काफ़ी डैमेज कर देते हैं। तो हम लोग गन उठा लेते हैं और फिर चलते हैं अपने मैप को एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पे एक बॉट आ रहा है, तो इसको हम लोग तुरंत ही मार देते हैं। मैंने कंट्रोल जो है मैंने अपने हिसाब से चेंज नहीं किए, इसलिए मैं थोड़ा गेम को खेल नहीं पाऊँगा, जो कभी कभी आपको लगेगा कि मैं बॉट मार रहा हूँ बट मार नहीं पाऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रही हमारी नई क्रेट, जो पहले आइसलैंड मैप वाली बन के आती थी सारे मैप में, बट अब ये नई क्रेट आ चुकी है जो काफ़ी बढ़िया लग रही है, मैं बताऊँ पर्सनली बहुत बढ़िया लग रही है, नई एकदम फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे एक और बॉट आ गया यार, ये लोग परेशान कर रहे हैं, ये मरता ही नहीं है, काफ़ी दूर है वैसे, मैं चलो उनको छोड़ते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग को यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये हेलमेट मैंने पिक किया, तो ये हेलमेट बन के तो आ गया, मेरा पिक भी हो गया, पर ये सामने दिख नहीं रहा है, मेरे जो क्या कहते हैं हेड है उसके ऊपर दिख नहीं रहा है। तो शायद ये ग्लिच है या फिर ये गेम में नया फीचर ऐड किया गया, मुझे नहीं पता, मैंने पूछा डिस्कॉर्ड पर, तो अभी कोई जवाब आया नहीं, पता चल जाएगा हम लोगों को। तो अभी देख सकते हो मैं किसी मशीन कंपनी के अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पे पेड़ वेड़ कटते हैं गाइस, यहाँ पे मशीनें लगी हुई थी, बढ़िया एकदम बना के दिया हुआ है। और ग्राफिक्स की बात करें तो भाई बहुत इंप्रूव हो चुके हैं गेम के ग्राफिक्स, बढ़िया लग रहा है गेम। तो यहाँ पे ये नाम भी लिखा हुआ है, तो क्या नाम लिखा हुआ है, पूजा पूजा ट्रेवर एंड सॉ मिल टिम्बर एंड सॉ मिल। तो यहाँ पे देख सकते हो ये फैक्ट्री का नाम था, तो हम लोग फैक्ट्री से बाहर निकल चुके हैं, सामने आप देख सकते हो हमारा फ्लैग। तो मैंने सोचा था गाइस ये फ्लैग वेव होगा, बट मुझे बाद में याद आया कि गेम में तो हवा चलती नहीं है, तो गाइस यहाँ पे एकदम लगा हुआ है, पर अच्छा लग रहा है कुछ भी कहो यार, हमारा गेम है इंडिया का गेम है तो इंडिया फ्लैग होगा। तो यार बॉट ये आ गया, इसको मार देते हैं हम लोग, वो मैं एम ही नहीं कर पाया, भाग गया वो। तो चलो फ्लैग के थोड़ा क्लोज चलते हैं, ये लोग यार बॉट वाले बहुत पसंद करते हैं। तो अगर मैप की बात करें तो भाई बहुत बढ़िया है, तो ये रहा हमारा फ्लैग यहाँ पे लगा हुआ है, और ये काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है। तो गाइस मैप की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त मैप रहने वाला है, जब खेलोगे ना तब मज़ा आएगा आपको। तो सर्कल की बात करें तो आप देख सकते हो, तो सर्कल भी थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, जो पहले दिखता था अलग सा, तो आप थोड़ा सा चेंज कर दिया गया उसके ग्राफिक्स में। तो हम लोग चलते हैं अब कुछ और ढूंढते हैं, कई और जगह पर एक्सप्लोर करते हैं। सामने आप देख सकते हो जो दिख रहा है वो है रिजॉर्ट, तो यहाँ से तो हम लोग अभी आए थे, बट यहाँ पर रोड वोड एकदम बढ़िया बना के रखी हुई, इतनी रोड तो अपने यहाँ साफ भी नहीं होती जितनी मैप के अंदर है। तो हम लोग चलते हैं रिजॉर्ट के अंदर और घूमते हैं गाइस, हमारा रिजॉर्ट जो 5-स्टार होटल है ये कैसा रहने वाला है, और देखते हैं गाइस। तो रिजॉर्ट के अंदर काफ़ी मज़ा आएगा अभी, चलो वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं उतर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऊंचा नीचा काफ़ी है, तो पहाड़ी एरिया है थोड़ा। यहाँ पे देख सकते हो ये रहा रिजॉर्ट का एंट्रेंस, और यहाँ पे मैं हथियार लेके अंदर घुस रहा हूँ एकदम अपने रिजॉर्ट के अंदर। फटाफट से यहाँ चलते हैं और एक स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं ताकि मैं थंबनेल लगा लूँ फटाफट। तो ये रही हमारे रिजॉर्ट की एंट्री, तो आपने ये रिजॉर्ट काफ़ी बार देख लिया होगा बाहर से, अब हम लोग चलेंगे इसके अंदर और इसको एक्सप्लोर करेंगे यार। तो यहाँ पे जो अब एक और चीज़ बता दूँ, जो मैप है 10 मिनट का रहने वाला है, और जिसके अंदर प्लेयर होंगे वो 40 प्लेयर रहने वाले हैं, और आपको 3 लाइफ मिलने वाली हैं जैसे मिलती हैं हमारे क्लासिकल मैप में जो। तो यहाँ पे एक
गन शायद ये नई पड़ी है, मुझे नहीं पता कहीं नई गन ऐड हुई, गन के बारे में बाद में बात करेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने रिजॉर्ट के अंदर। आप घुसते हैं, यहाँ पे सोफे वोफे पड़े हुए हैं एकदम बढ़िया से, और यहाँ पे कुछ वाइन की बोतलें ही पड़ी हुई हैं जो उन पर हम लोग गोली चलाएंगे। और ये ब्लड प्रूफ है शायद, फूटी नहीं कांच की बोतलें। तो और हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं इसका रिसेप्शन कहाँ पे है। तो ये रहा रिसेप्शन शायद, और यहाँ पे देखो लैपटॉप वैपटॉप रखा हुआ है बढ़िया सा एकदम, चलता नहीं है शायद। तो और भी चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इनके रूम्स को, कैसे रहने वाले हैं इनके रूम कमरे। भाई इतना महंगा होटल है तो यार कमरे भी तो बढ़िया ही होंगे। तो हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं, शायद रूम वहीं पे हैं। तो यहाँ पे मुझे शायद एक रूम दिख चुका है, यहाँ पे भी एक लैपटॉप रखा हुआ रूम में। और ये रही हमारे डबल बेड, और यह बालकनी देखिए आप कितनी ज़बरदस्त है, एकदम सी व्यू यहाँ से मिलने वाला है आपको। काफ़ी खर्चा हो जाएगा यहाँ पे आपको वैसे घूमने में, बट आप यहाँ पे फ्री में घूम सकते हो। देख सकते हो सामने एकदम स्विमिंग पूल बना के रखा हुआ, और यहाँ बेड पर लेट भी सकते हो आप बढ़िया तरीके से, यहाँ पे फर्स्ट क्लास एकदम। तो अब चलते हैं, और बाइज यहाँ पे जो सर्कल है छोटा हो चुका है, उससे पहले हम लोग जोन के बाहर मर जाएं, बाहर चलते हैं और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये रहा हमारा पूल वूल, यहाँ पे नाना वाना हो जाएगा। तो ये गन की यार ये ड्रॉप पे मिलती थी सारी, यहीं मिल रही हैं, तो मैंने यहाँ स्नाइपर पिक कर लेता हूँ। ये महंगी वाली स्नाइपर थोड़ा मिलती नहीं है वैसे भी। स्कोप स्कोप बहुत मिल रहे हैं गेम के अंदर आपको, लूट एकदम भर भर के मिलेगी जब आप खेलोगे, और भाई काफ़ी मज़ा आएगा आप खेल के देखने का। एकदम गेम जो है ना एकदम चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे अब लोग यार रिजॉर्ट के राइट से निकल चुके हैं, नहीं यहाँ पे तो जगह ही नहीं, यहाँ के सीढ़ियाँ दी हुई हैं, तो हम लोग जंप करके जाएंगे फिर भी। तो हम लोग अब आगे चलते हैं और देखते हैं सर्कल में और हम लोगों को क्या एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर मिल जाने वाला है। अभी तक यार देख रहे हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो यहाँ पर यार मैं ये एग्जिट करे जा रहा था धोखे से, तो यहाँ पे आ गए हैं। तो गाइस थोड़े ये बिल्डिंग देखो, इसमें पानी की टंकी भी रखी हुई थी। कौन सी बिल्डिंग? अच्छा ये कॉलेज है गाइस यहाँ पे आप सामने। तो यहाँ बॉट मुझे मार रहे हैं, तो इनको थोड़ा मैं मार भी देता हूँ, किल विल मिल जाएंगे हमको थोड़ा। और ये एक हेड शॉट पड़ गया बिना स्कोप खोले ही, देख रहा हूँ तो प्रो है। इस बंदे को और मार देता हूँ। यहाँ पे देखो गाइस मैं कंट्रोल्स कहाँ ही है मेरे, तो मैं इसे शूट ही नहीं कर पा रहा हूँ, मिस हो गया फिर से। इसको मैं मार देता हूँ फटाफट से, तो इसने काफ़ी डैमेज। अरे यार पेड़ के अंदर भाग गया ये, तो चलो मर गया। स्नाइपर की गोली यार एक गोली में ही काम हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग हील वील कर लेते हैं। और एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी, तो जो हमारा फ्यूड आइटम्स है वो गेम से हटा दिया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सामने सिर्फ तीन आइकन बन के आ रहे हैं, एक हील का, एक ग्रेनेड का और एक मील वेपन का। फूल का आइटम जो है अब नेक्स्ट अपडेट से नहीं आएगा, जो पहले ही हट ही चुका था क्योंकि एनर्जी उसकी कम होती नहीं थी। बाद में अब आइकन भी हटा ही दिया गया है, तो ख़त्म अपने फूड उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। तो सर्कल अब काफ़ी छोटा हो चुका है। तो हम लोग यार कॉलेज को बाहर से थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे एसी वेसी लगे हुए हैं क्या? प्रिंसिपल ऑफिस के लिए लगे हुए हैं, बढ़िया। यहाँ पे तो सर्कल यार आगे बढ़ चुका है, तो कॉलेज को हम लोग करेंगे बाद में एक्सप्लोर। थोड़ा अभी हम लोग चलते हैं अपने हॉस्पिटल में और देखते हैं वहाँ मरीज वरीज बैठे हुए हैं कि नहीं। तो यार बॉट आ गया यार, इसको मार देते हैं यहाँ पे फटाफट से। और सर्कल में भी हमको जाना है वरना हम लोग मर जाएंगे। मैं आपको मैं आज दिन एक्सप्लोर करता रहूँगा, अभी के लिए आपको एक गेम प्ले दिखा दिया कैसा रहता है। तो यहाँ पे एक एमो उठा लेते हैं इसे। तो ये मेरा जुड़वा आ गया यार, ये तो मेरे जैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, इसको भी हम लोग भर देते हैं यहाँ पे बढ़िया तरीके से। और एक क्रेट काफ़ी बढ़िया, इसके पास काफ़ी लूट मिल गई ऐसे हम लोगों को। तो अब हम लोग चल देते हैं यार, यहाँ पे टाइमिंग लिख के नहीं आई अभी मैप में, कहीं कितने मिनट तक ये मैप रहने वाला। एक और मेरा जुड़वा आ गया, इसको भी मार ही देते हैं यार, किल मिल रहे हैं तो फिर क्यों ना लें हम। वाई ये मर जा रहे, जोन जाना है मुझे। चलो मर गया ये भी, सब काम हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं आगे और करते हैं एक्सप्लोर अपने हॉस्पिटल को। ओके यार ये इतने सारे यहाँ पे आके ही रह गए हैं, मर जाओ तुम भी मर जाओ, बाय बाय हैप्पी लॉबी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ रोड क्रॉस करके हम लोग पहुँच जाएंगे। तो मैं हॉस्पिटल के जो ना बैक साइड से घुस रहा हूँ, काफ़ी सारे एंट्रेंस आपको मिल जाएंगे। तो आप घुसोगे यहाँ पे तो बढ़िया एकदम गंदा गंदा लगने वाला फील आने वाला है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, क्योंकि दीवारें पर आप देख सकते हो पेंट वेंट सब चढ़ चुका है यहाँ पे। तो मैं फटाफट से हील कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो दिल विल बने हुए हैं, क्या ही है। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट रूम के अंदर चलते हैं गाइस। और ये मुझे टॉयलेट लग रहा है, ओके यहाँ पे टॉयलेट भी आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे आराम से चढ़ो, रहने दो इस बात को। यहाँ पे आपको टॉयलेट वॉयलेट मिल रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं दूसरे रूम को एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ मैं इसका भी, शायद थंबनेल में लगाने का मन हो जाए। ओके तो यहाँ पे हम आ चुके हैं यहाँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे हड्डियाँ वड्डियाँ मुँह बने हुए हैं। दूसरा रूम देखते हैं गाइस, ये टॉयलेट क्या है ये? भाई बाथरूम बाथरूम है क्या ये? तो और भी एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। तो ये रूम तो खाली पड़े हुए हैं, इनके अंदर बेड ही नहीं है क्या? तो ये रहा हॉस्पिटल का जहाँ से आप घुसोगे इसके अंदर। और यहाँ पे देखो स्विच विच एकदम बढ़िया तरीके से लगा के रखा हुआ है। तो ये रहा रिसेप्शन, जहाँ पे भी जंग लगी हुई है एकदम बढ़िया तरीके से। और भी चीज़ों को हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मुझे कोई रूम दिख नहीं रहा हॉस्पिटल के अंदर गाइस, क्या मतलब आईसीयू रूम कहाँ है इसका? तो यहाँ पे मुझे एक बेड दिख चुका है, जो कि इसकी हालत काफ़ी ख़राब है, यहाँ पे कौन ही मरीज बैठेगा।
तो अब जो यार हमारा जो सर्कल है वो एकदम खत्म ही होने वाला है, तो थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं हम लोग अपने हॉस्पिटल को। तो अब हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पे, नहीं सेकंड फ्लोर पे, और देखते हैं गाइस वहाँ पे क्या सिस्टम बना के रखा हुआ है। पर यहाँ पे सीढ़ियाँ कहाँ पे मुझे मिल रही हैं, तो ओके ये रही हमारी सीढ़ियाँ, चलते हैं ऊपर। और यहाँ पर जैसे तो यहाँ बालकनी वालकनी देके रखी हुई है नीचे देखने के लिए, हाँ यहाँ पे बालकनी भी है। तो ये वाला रूम बाद में एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि गेम जो है बिल्कुल ख़त्म ही होने वाला है, सिर्फ दो बंदे अलाए हुए हैं। छत पे चलते हैं और यहाँ से थोड़ा व्यू ले लेते हैं। तो देख सकते हो गाइस वो जो बिल्डिंग है सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है जो सेलुलर जेल की मेरे हिसाब से शायद, और यहाँ से ऊपर ऊपर हो जाएगा, तो वहाँ भी हम लोग एक्सप्लोर करने जरूर जाएंगे। बट अभी के लिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देख लेते हैं गाइस एंड होने पर हमारा गेम कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ये यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया और यहाँ पे साउंड है काफ़ी बढ़िया कर दिया है पहले से, तो यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं। और ये जो बी है ना ये ब्रॉन्ज है, इसको करेंसी में हमारे ऐड कर दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ हमारा हो चुका है गेम फिनिश्ड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चलो करना बिल्कुल ना भूलना।